हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। किस्मत हमारे साथ ही क्यों ये खेल खेल रही है? क्यों इस घर को खुशियां रास नहीं आ रही? वो सब कुछ आज़र के आगे उगल सकती है। आज़र कौन सा इतना बेवकूफ है जो उस नूरी की बातों में आ जाएगा? खुला का नोटिस? हानिया मुझसे तलाक लेना चाहती है। ओ हाँ बेटा, माफ करना, ये कल आया था खत, मैं भूल गई कल देना। हाँ नहीं कोई बात, जरूरी लेटर है, ऑफिस से। मामी जल्दी से उठे और जूस पी लें। उठ जाएं। मामी सो गई आप? मम्मी, मम्मी, क्या हुआ आपको? मम्मी, मम्मी, मम्मी क्या हो गया आपको? मम्मी, भाई, भाई, मम्मी उठे, क्या हुआ आपको? मम्मी, भाई, भाई, मम्मी, भाई, भाई जल्दी आए, भाई, मम्मी आपको क्या? भाई, भाई, भाई मामी क्या हुई? नहीं पता नहीं क्या क्या हुआ इन्हें। भाई देखिए, मामा, 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 मामा क्या हुआ आंटी? मामी उठे ना मामी। मामा आके खोले, डॉक्टर को कॉल करिए, चलिए डॉक्टर को कॉल करो। हाँ मैं करूँ, मैं करूँ। मामी, मामा, मामा, मामा प्लीज उठे, मामा प्लीज आके खोले। मामी, मामा, मामा कहाँ? मामा से बात करो आगे। शाही मामा के लिए खोलिए यार। कुछ आज़र, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या आप मुझे सारी जिंदगी ऐसे ही प्यार करेंगे? ये जान से भी ज्यादा, तुम तो मेरी जान। और जान आपसे अलग तभी होती है जब आप मर जाते हैं। समझ नहीं आ रहा मैं आपको किस तरह मनाऊं आज़र, किस तरह बताऊं कि मेरी जिंदगी में आपके अलावा कुछ नहीं है। बेरुखी मुझे पल पल मार रहे हैं। मेरे साथ ही फिल्मी डायलॉग्स मत बोलो प्लीज। फिल्मी डायलॉग्स नहीं है आज़र, ये सच है। मेरा यकीन क्यों नहीं होता? प्लीज आज़र मेरा यकीन करें। ना तो आपसे पहले मेरी जिंदगी में कोई था और ना ही आपके बाद कोई आ सकता है। लिए आप ही सब कुछ है। मगर आज तुम्ही ने मेरा हाथ छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुमने छोड़ा उसका हाथ। कितने वादे किए थे तुमने उससे? हजारों लोगों के सामने इस हाथ को थामा था, ऐसे कैसे छोड़ दे?
बेवफाई की इब्तदा तो मैंने की थी, पर उसका हाथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम भी लिया। अगर वो बेवफा होती तो अब तक तन्हा ना होती। बस मुझे अब उसे अपनी कैद से आजाद कर देना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके। दुआ कर सकते हैं मामा और बाबा के लिए। क्या कसूर था हमारा? बाबा चले गए, मम्मी चली गई, यतीम हो गए भाई, हम यतीम हो गए भाई, हम यतीम हो गए, हम यतीम हो गए भाई, हम यतीम हो गए, हम यतीम हो गए। अल्लाह ताला की जात बहुत वो है ना हमारे साथ, हमारा ख्याल रखती है। सिर्फ बाबा और मामा के लिए दुआएं करनी है बस। सलाम खुद को, सलाम। डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट है, देख लीजिए प्लीज। जी ये आपकी वाइफ की ही रिपोर्ट्स हैं, और ये भी सच है कि वो कुदरती तौर पे माँ बनने की सलाहियत नहीं रखती। मतलब ये आप क्या कह रही हैं? आपको भी गलत फहमी हो रही है। अगर ऐसा होता तो मेरी बीवी का तो अभी मिसकैरेज हुआ है रिसेंटली। वो किस्सा भी मैं आपको सुना देती हूँ, हालांकि मुझे नाज़रीन की मदर ने मना किया था कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए वरना उसकी तलाक हो जाएगी। और बेटा, पहले मेरा दोस्त हैदर चला गया, अब भाभी भी चली गई और हम्माद और हानिया यतीम हो गए। बाबू जान मैंने अपनी सगी माँ को सिर्फ तस्वीरों में ही देखा, मुझे नहीं पता था कि माँ का प्यार क्या होता है। राजा आंटी ने अपने घर में रखा, प्यार दिया तब पता चला कि बेटा किसी भी मरने वाले के लिए यह एक बहुत बड़ा एहसास है कि उसके मरने के बाद उसको अच्छे अल्फाजों में याद किया जाए। बहुत अच्छी खातून,
बस अल्लाह सब्र दे। ख्याल से वक्त हो गया है, चल आ जाओ। नाजी भाई, अगर ये घर के कागजात नहीं मिले ना, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भाई इस घर में हमारा हिस्सा है तो पेपर्स भी होंगे ना आपके पास? मूंगफली जितना हिस्सा है, कितनी बार बताया तुझे, सारा खर्चा भाई साहब ने किया था। इसका मतलब है आपके पास कोई सबूत नहीं है कि इस घर में हमारा हिस्सा है? अंधा एतमाद था तुम्हारे बाप का, उसको लगता था कि मिर्जा दे देगा हिस्सा। बस तो फिर समझे कि हिस्सा गया, क्योंकि ना तायाजान कभी वापस आएंगे और ना हिस्सा मिलेगा। नाजी तुझे किस बात की टेंशन है, तू इस घर पे राज कर रही है, अब तो कोई है भी नहीं यहाँ पे, है? सारा का सारा हिस्सा तो आजर का है, इसका मतलब है तेरा है। नहीं, तेरे कोई मसले नहीं है, मुझसे पूछ कमबख्त नौरीन को कहाँ से दूँ घर का हिस्सा मैं। एक मिनट, तो क्या वाकई उसे हिस्सा देने वाली थी? हाँ, क्या तुझे मैं वाकई पागल नजर आ रही हूँ? हैं? जीते जी तो मैं किसी को नहीं दूंगी हिस्सा, ना आमिर को ना नूरी को। भाई अगर कागजात मिल जाए तो मैंने सोचा था किसी वकील को दिखाकर नूरी के लिए जाली कागजात बना क्या क्या कहा आपने? आप मुझे जाली पेपर देती, पागल समझती हैं आप मुझे? सारी जिंदगी की तरह अभी भी मुझे बेवकूफ बनाती और मेरे हक पे डाका डाल के आप दोनों अय्याशी करती। तूने गलत सुना है, सगी बेटी है, मैं करूंगी ये तेरे साथ। आप कर सकती हैं अम्मी, आप नाजी की खुशियों की खातिर कुछ भी कर सकती हैं। और अब तो ये ताहे अब्बू की करोड़ों की जायदाद की मालकिन बन गई है, तो आप तो इसके आगे पीछे फिरेंगी। पागल हो गई अम्मी, लेकर जाए इसे, मैं अपने घर में किसी भी किस्म का शोर शराबा नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम्हारा घर या हानिया भाभी का घर, जिस पे झूठे इल्जामात लगा के तुमने घर से निकलवा दिया और अब उसके शौहर और उसके घर पे कब्जा करके बैठी हो तुम? बकवास कर रही है अम्मी ये। घर चल, फिर से दौरे पड़ रहे हैं तुझे, चल। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, सब कुछ सच सच बता के जाऊंगी अब मैं। क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो, क्या रहा है? बेटा वो क्या है कि तलाक के बाद ना इसका जरा दिमागी तवाजुन जरा ठीक नहीं है, बहकी बहकी बातें करती है। ना मैं पागल हूँ और ना मेरा दिमाग खराब है। आसिफ भाई, अम्मी और नाजी दोनों ने मिलकर आपकी जिंदगी बर्बाद की है और इस बात की गवाही मैं दे सकती हूँ, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर मेरा इस्तेमाल किया है। नूरी चल ना, बाद में बात करेंगे। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, आसिफ भाई को सब कुछ बता कर जाऊंगी। चाची जान, एक मिनट, एक मिनट, बात करने दीजिए। बोलो नूरी, क्या कह रही हो? आसिफ भाई, हानिया और शहीर ने कुछ गलत नहीं किया, अम्मी और नाजी ने जबरदस्ती उन पे झूठे इल्जाम लगाए, जानबूझ के हानिया भाभी को हमारे कमरे में भेजा और पीछे से शहीर को भेज दिया। हानिया भाभी की पहले से तबीयत खराब थी, उनको जब चक्कर आए वो घिरने लगी तो शहीर ने उन्हें संभाला, बस उन दोनों के बीच में कुछ गलत नहीं था। क्या ये सब सच है? बकवास कर रही है ये, ऐसा कुछ नहीं है, सच नहीं है ये। बकवास बंद करो, क्या ये सब सच है? नहीं, झूठ बोल रही है ये। ये झूठ है तो तुम्हारा मिस कैरेज हुआ, क्या ये झूठ नहीं है? क्या मतलब? मतलब ये कि झूठ बोला तुमने मुझसे, झूठ बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो और फिर झूठ बोला कि तुम्हारा मिस कैरेज हो गया है। कितना झूठ बोले हो तुमने मुझसे, कितना झूठ बोले, जबकि तुम जानती थी कि तुम तो मां बनने की सलाहियत ही नहीं रखती हो। बेटा किसी ने तुम्हें बहकाया है, मेरी बच्ची पे इस तरह के इल्जाम क्यों लगा रहे? इल्जाम लगा रहा हूं मैं? और वो इल्जाम जो आपने मेरे मासूम भाई पर लगाया,
मेरी बीवी पर लगाए, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? बोलिए, जवाब दीजिए, क्या कहेंगी? बेटा, इसके तो दिमाग में फितूर है, इसकी बातों पे क्यों यकीन कर रहे हो? आज़र भाई, अम्मी की किसी बात का यकीन मत कीजिएगा। अम्मी झूठ बोल रही है। हानिया भाभी इस घर का हर काम करती थी, सब कुछ वो अकेले करती थी, और अम्मी उनका एक एक काम खराब करके ताए अब्बू के सामने पेश करती रही, और हमेशा नाजी को अच्छा बना के ताए अब्बू के सामने पेश किया, और आखिर में तो अम्मी ने हद ही कर दी। हानिया भाभी के किरदार तक पे उंगली उठा ली, जबकि वो बहुत अच्छी थी। नूरी बिल्कुल ठीक कह रही है आज़र, तुम्हारी बीवी बहुत नेक थी, इन लोगों ने उसके खिलाफ साजिशें की हैं। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझ आई? खुद भाग के शादी की है, किसी और के किरदार की गवाही दोगी तुम? फिर भी मैं आपकी तरह नहीं हूँ आंटी। अपनी बेटी का घर बसाने के लिए आप लोगों ने दूसरों का घर उजाड़ दिया। मैं तो निकाह कर कर आई थी आपके घर। चोरनी है ये चोरनी, अपनी खाला का घर लूट कर आई थी, दो नंबर जेवर लेकर। अब बड़ी बोल रही है ये। मैंने आपकी तरह अपने घर में डाका नहीं डाला, पेपर्स चुराए आपकी बेटी ने और इल्जाम लगा दिया शहजीन पे। क्या क्या जुल्म ढाए हैं उस बेचारी पर। घर के पेपर्स? बेटा सास हूं ना, नफरत करती है मुझसे, इसलिए सारे झूठ बोल रही है। चुप कर जा। क्यों चुप रहूं मैं? आप लोगों के तो जुल्म की दास्तान खत्म ही नहीं हो रही। इस बेचारी का पूरा घर बर्बाद कर दिया, फिर भी चैन नहीं आया आपको? नाजी ने आप लोगों के घर के पेपर चुराए थे, शहजीन ने देख लिया तो उस बेचारी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। और ये भी सुन ले, ताया जी को इस घर से निकलवाने में भी इनका हाथ है। इतना बुरा सलूक किया है उनके साथ, आपकी गैर मौजूदगी में नौकरों की तरह काम करवाया है उनसे, और आपको भी उनके खिलाफ कर दिया। हाँ, ये सब कुछ मैंने किया है तुम्हें हासिल करने के लिए, क्योंकि मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत। तुम्हें हासिल करने के लिए सब कुछ किया, क्योंकि तुम्हारे मेरे दरमियान जो आता गया मैं उसे हटाती गई। समझो मेरे जज्बात को, मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें खोना नहीं चाहती थी इस वजह से। ये कैसा प्यार है तुम्हारा, ये कैसा प्यार है जिस प्यार ने मुझे ही बर्बाद कर दिया। ये कैसा प्यार था जो दीमक की तरह मेरे घर के हर फर्द को बारी बारी खा गया। तुम इसे प्यार कहती? प्यार तो वो है जो हानिया ने मुझसे किया, और मेरे लाख ज्यादती करने के बावजूद वो करती रही। आज दिन तक मेरे नाम के साथ जुड़कर बैठी रही, इसे प्यार कहती? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं कि मुझसे ज्यादा मोहब्बत तुम्हें कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मैं लानत भेजता हूं ऐसे प्यार पर जिसने इतना अरसा मुझे मेरी औलाद से दूर रखा। लेकिन अब बस आज मैं तुम्हें अपने घर से, अपनी जिंदगी से बेदखल करने वाला हूं। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं नाजी। हां सर। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। मेरी एक बार से बात सुनो, प्लीज मेरी एक बार बात सुनो आजर, ऐसा मत करो, बहुत मोहब्बत करती हूं। नाजी मैं एक लफ्ज में बोलने वाला मेरा हाथ उठ जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। आवाज के धागों से खामोशी उलझती है, ना दर्द ही रुकता है, ना दर्द ही रुकता है, ना बात दफा हो जाओ मेरे घर से, सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा,
आज़र एक बार मेरी बात सुन लो, एक बार प्लीज हम बैठ के बात कर सकते हैं ना? मैं सब कुछ क्लियर करने के लिए तैयार हूँ, हर बात का मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। अच्छा दरवाजा तो खोलो। आज़र, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, जैसा कहोगे जो कहोगे मैं सब करूंगी। एक बार सिर्फ दरवाजा खोल दो प्लीज, एक बार मेरी बात सुनो आज़र। ठीक है, ठीक है, मत खोलो दरवाजा, मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक नहीं खोलते। यही बैठी रहूंगी मैं, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगे मैं नहीं जाऊंगी, न यहां से न इस घर से, कहीं नहीं जाऊंगी। हानिया, प्लीज संभालो अपने आप को। हानिया प्लीज हिम्मत से काम लो। हानिया फातिमा, भाभी ने कुछ खाया? मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ खा ले पी ले, लेकिन कुछ भी खा पी नहीं रही और कुछ बोल भी नहीं रही है। प्लीज संभाले खुद को, मम्मी की रूह को बहुत तकलीफ हो रही होगी इस वक्त आपको इस हालत में देखकर। प्लीज थोड़ा सा कुछ खा ले प्लीज। मुझे कुछ नहीं खाना, आप लोग चले जाएं यहां से। देखो मामा तो वो चली गई है, हम उन्हें नहीं रोक पाए। उन्होंने बहुत फाइट की लेकिन उनको जाना पड़ा। जाने से पहले वो हमें जो कुछ भी कह के गई हैं, हमें तो वो करना चाहिए ना। क्या तुम नहीं चाहती हो कि अगले जहान में मामा की रूह को सुकून मिले? मुझे सुकून नहीं है भाई, मैंने नहीं सीखा मम्मी के बगैर रहना। मेरे पास बचा ही क्या था? मम्मी की मोहब्बत, उनका साथ, वो भी छिन गया है मुझसे भाई। हानिया तन्हा तो मैं भी रह गया हूं ना। इंसान उम्र के जिस हिस्से में भी हो उसे अपनी मां की जरूरत तो होती है। तुम जानती हो मुझे मामा की कितनी जरूरत थी, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी के आगे सर झुका लेना हमारा फर्ज है। सारे इम्तिहान मैं ही क्यों दूं? क्यों सारे रिश्ते एक एक करके मुझसे छिन गए हैं भाई? क्यों हर कदम पर मुझे एक नया इम्तिहान देना पड़ता है? मेरी जिंदगी सजा बन गई है भाई।
जुर्म क्या है नहीं मालूम, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त, मैं नहीं रह सकती, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं नहीं रह सकती मम्मी पापा के बगैर। नहीं 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 हानिया, प्लीज प्लीज ऐसे नहीं कहते। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पे उनकी बर्दाश्त से ज्यादा कभी बोझ नहीं डालता, और तुम तो बहादुर हो। नहीं मैं बहादुर बिल्कुल नहीं हूं, मैं बहादुर नहीं हूं, मैं बहादुर तुम जानती हो मामा ने जाने से पहले आखिरी बात मुझसे क्या की थी? उन्हें मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम पर कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा, तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा, मैं तुम पर जो भी मुश्किल आएगी उसके बीच में मैं खड़ा रहूंगा। क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं मामा से क्या हुआ अपना वादा पूरा कर लूं? ये आखिरी वादा था मेरा, चाहती हो ना? इसलिए प्लीज कुछ खा लो, सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया और हम सबको तुम्हारी जरूरत है। तुम मेरे लिए मामा की आखिरी निशानी, प्लीज हम सबको तुम्हारी जरूरत है, और सबसे ज्यादा हमजा को, मानो की मेरी बात। शेजीन जल्दी से खाना लाओ। हम सब यही कहेंगे तुम्हारे साथ। मुझे इतने शोर शराबे की आवाज आई, जब मैं वहां गई हूं तो नूरी जा रही थी। उसे बहुत कोशिश की मैंने रोकने की, लेकिन वो बहुत गुस्से में थे, और वो बेचारी करती भी तो क्या करती। नाजी और आंटी ने उसके साथ कितना बुरा सलूक किया है, हर वक्त नाजी उससे लड़ती रहती थी, उसे बातें सुनाती रहती थी, कहती थी तुम मनहूस हो, तुम्हारी वजह से मेरा घर खराब हुआ है, दफा कर दे मेरी नजरों से, किसी दारुल अमान में छोड़ा है। तुम खुद सोचो आमिर कितना बुरा लगता होगा नूरी को। अम्मी की गलतियों ने सब कुछ खत्म कर दिया, अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। आमिर प्लीज मेरी बातों का बुरा नहीं मानना, लेकिन ये सब हानिया की बददुआओं का नतीजा है, जिसका हंसता भस्ता घर आंटी और नाजी ने खराब कर दिया। बुरा क्यों लगेगा मुझे निशु, जो सच है वो है। यही मैंने आंटी से भी कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है, उनकी बेटियों के हाल की जिम्मेदार वो खुद हैं। हाजर से नाजी की शादी करवाने के लिए उन्होंने कितने दिल तोड़ दिए, तुम्हें पता है? आंटी उल्टा मुझ पे चिल्लाने लगी, मुझे गालियां देने लगी, हाथ उठाने की नौबत आ गई थी, मैं तो वहां से डर के भागी हूँ। तो तुम्हें क्या जरूरत थी अम्मी से ये सब बातें करने की? हाँ तुम्हें क्या लगता है ये सारी बातें करके अम्मी ये मान जाती है सब कुछ उनकी गलतियों का नतीजा? नहीं निशो, आज तक मानिए वो। आमिर मैं क्या करती, नूरी को रोता हुआ तड़पता हुआ देख के मुझे गुस्सा आ गया था। अगर ये शादी झूठ और फरेब से ना होती ना, तो आजर कभी नाजी को तलाक नहीं देता। तुम्हारी बात ठीक है निशो, लेकिन अम्मी ने कभी किसी की नहीं सुनी। बहरहाल दोनों कहाँ हैं अभी? वहीं हैं ताया जी के घर। वहां क्या कर रही हैं? तलाक के बाद तो नाजी को यहां जाना चाहिए था ना। क्या कह सकती हूँ मैं, तुम्हारी माँ बहनें हैं, तुम देखो। ठीक है, बात करता हूं मैं मम्मी से, शायद इस बार उनको मेरी बात समझ में आ जाए।
हानिया, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। तुम चीखती रही, फरियाद करती रही, मगर परेब की दीवार बहुत मजबूत थी। तुम्हारी मासूम आवाज उससे टकरा कर लौट गई। झूठ मैं नहीं बोल रही, झूठ वो लोग बोल रहे हैं। वो लोग यानी मेरा बाप झूठ बोल रहा है ना? और तुम तो दूध की धुली हुई हो, हमेशा सच बोलती हो, है ना? हाँ, मेरे किरदार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी आज़र। खुदा के लिए बस कर दें। इसका मतलब है मैं अपनी सफाई में आपको कुछ बोल भी नहीं सकती। प्लीज आज़र, मेरा यकीन करें, ना तो आपसे पहले मेरी जिंदगी में कोई था और ना ही आपके बाद कोई आ सकता है। मेरे लिए आप ही सब कुछ है। मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं, खुद को भी सजा दी है हानिया। नहीं, हाथों से अपनी जन्नत को उजाड़ दिया। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, कितना बदकिस्मत हूं मैं। अपनी पहली औलाद, अपनी पहली खुशी को आज तक अपनी बाहों में ना ले सका, प्यार ना कर सका। मगर क्या वो हमेशा मुझसे जुदा रहेगा? क्या मैं उससे कभी भी मिल नहीं पाऊंगा? कैसे मिल सकता हूं? मैंने आज तक उसके लिए किया ही क्या है? क्या जतन ना किए थे मैंने इसका घर बसाने के लिए, लेकिन किस्मत ही फूटी हुई है इसकी। दोनों बेटियां उजड़ गईं, मैं क्या करूंगी? ऐसे आबाद करूंगी फिर से अपना घर? इसको कैसे सब्र दिलाऊं? नाजी बुखार में तप रही है, अल्लाह के वास्ते मेरे साथ घर जाए। बड़ी देर कर दी तूने आने में, कयामत टूट गई है। आज़र ने तेरी बहन को तलाक दे दी। हौसला करें, जो होना था सो हो गया। माँ बाप नाजी को यहां से लेकर चले उसके घर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा नाजी? तलाक हो गई है तुम्हें, तुम्हारा यहां रहना मुनासिब नहीं है अब। किसने कहा कि तलाक हुई है, बताओ मुझे। अरे आज़र ने तो गुस्से में कह दिया है, और गुस्से में तलाक नहीं होती है। मुझे बताए ना, मैं बना लूंगी उसे। क्या क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम नाजी? गुस्से में दी हो या होश में, तलाक तो दे दिया ना उसने। बहुत समझाया है, नहीं समझ रही। अगर नहीं समझ रही है तो उसका हाथ पकड़े अम्मी और उसे जबरदस्ती उस घर में लेकर जाएं। खबरदार, जो मेरे मामले में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो। ये मेरा घर है, मैं क्यों अपना घर छोड़ के जाऊं? आज़र ने गुस्से में कहा है, मैं बात करूंगी उससे। कैसे नहीं मानेगा वो, लेकिन कोई कुछ ना कहे। तुम खुद भी गुनहगार हो रही हो और हम सबको भी गुनहगार कर रही हो नाजी। आपको किसने कहा है गुनाह कमाने के लिए? किसी ने रोका है आपको? जाएं अपने घर, ये मेरा मसला है, मैं इसे खुद देखूंगी। नाजी, मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि चलो। अगर मुझे हाथ भी लगाया ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरा आपसे क्या रिश्ता है। खबरदार जो मेरे करीब कोई आया तो।
मेरी बात समझने की कोशिश करो नाजी। चलो उस घर में, तुम्हारी जगह वही है, यहां रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं सब समझता हूं हाँ, लेकिन तुम अब वहां चलो, वो है तुम्हारा घर नाजी। सब ठीक हो जाएगा नाजी, मैं कह रहा हूं तुमसे, वहां चलो आओ। शाबाश। मैंने ये नहीं चाहता। Thank you.